हेलो एवरीवन, हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया है और हमने पढ़ लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो आज हमको क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है एक नया टॉपिक, नया चैप्टर नहीं है लेकिन नया टॉपिक जरूर है। भाई इतना बड़ा चैप्टर है तो आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा ना, एक साथ तो हम पढ़ नहीं सकते। सो आज हमें क्या पढ़ना है? द थर्ड वन, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है उसी से मिलकर क्या बन रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। चलिए देखते हैं कि एक्चुअली हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या और ये सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो भाई सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? आप जो फूड खाते हो उसका डाइजेशन हो गया है। अब जब उसका डाइजेशन हो गया है और आपकी बॉडी ने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया तो ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड के अंदर गया, ठीक है। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर किसका एक्सचेंज हो रहा था? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, और वही ऑक्सीजन जो है वो फिर कहाँ जा रही थी? ब्लड तक जा रही थी। तो ये ब्लड के अंदर हमने ग्लूकोज भी डाल दिया, ब्लड के अंदर हमने ऑक्सीजन भी डाल दिया, दोनों मिलके क्या करेंगे? तो वही नहीं कर लेते रेस्पिरेशन, वहीं पे टूट जाते, वही एनर्जी बना लेते। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ब्लड के अंदर वो एनर्जी नहीं फॉर्म करेंगे, ब्लड के अंदर क्या होगा? ओनली ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन होगा मतलब क्या? अब क्या अंदर क्या रोड वगैरह चल रही है या हमारा रेलवे ट्रैक है कहीं पे, जो ट्रेन में बैठे घूम के आ गए? क्या घूमने वाले कोई पर्सन भी है क्या? भाई बॉडी के अंदर कोई पर्सन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं चल रही, कोई बस नहीं चल रही आपकी। कोई सर्कुलेशन किसका हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है? तो हमारे फूड का हो रहा है या हमारे ऑक्सीजन का हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो भाई जब ऑक्सीजन ली है तो क्या बॉडी के सारे ऑर्गन्स को नहीं चाहिए? सिर्फ लंग्स तक ही चाहिए हमें ऑक्सीजन? नहीं भाई, सारे बॉडी के ऑर्गन्स को चाहिए। एनर्जी के हमारे हाथ को नहीं चाहिए? तो हमारा हाथ ऐसे पड़ा रहेगा ना, फिर हम काम नहीं कैसे करेंगे? मैं लिखूंगी कैसे और आप पढ़ेंगे कैसे? आप अगर पढ़ नहीं पाएंगे, आप अगर लिख नहीं पाएंगे तो फिर इस हाथ का क्या काम है? निकाल के फेंक दो, क्या फेंक सकते हैं क्या? नहीं फेंक सकते। सो हमें अगर एनर्जी चाहिए तो क्या हमें सारे बॉडी पार्ट्स को चाहिए हमारी एनर्जी? भाई पैरों को भी तो चाहिए, चलने के लिए चाहिए। उसके अलावा हमारा जो बाकी बॉडी पार्ट है भाई, भले वो मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है, हमारे हाथ उधर उधर घूम रहे, लेकिन हमारा ये पोर्शन जो है स्टमक वाला जो पोर्शन है वो कहीं नहीं घूम रहा है। तो नहीं घूम रहा तो क्या इसको एनर्जी नहीं चाहिए? अरे चाहिए भाई, बॉडी के जितने भी सेल्स है ना सबको एनर्जी चाहिए और सबको फूड भी चाहिए होगा। तो डेफिनेट सी बात है एनर्जी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है। बट जब ये सब कुछ चाहिए तो फिर वो कहाँ से मिलेगा? लंग्स तक आके वो तो खत्म हो गया। लंग्स ने क्या किया? ऑक्सीजन दे दिया आपके ब्लड को। डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा जो ग्लूकोज था वो किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया। अब ब्लड अगर लेके बैठ जाए कि मैं किसी को नहीं दे रहा तो क्या होगा? तो हम थोड़ी ना जिंदा रहेंगे। और ब्लड ऐसा करता नहीं है, वो सेल्फिश नहीं है, वो क्या करेगा? सबको लेगा और इकट्ठा करके पूरे बॉडी के अंदर घूम के सबको देख के आएगा। जैसे हमारा पोस्टमैन करता है ना, हमारे लिए डाक लेके आता है, हमारे लिए पोस्ट लेके आता है कि जितनी भी पोस्ट हमने उसको पोस्ट किया, वहां से वो गया ऑफिस में, ऑफिस से पोस्ट ऑफिस से कहाँ जाएगा? पोस्टमैन लेके जाएगा। वो जो डाकिया होता है ना वो ले लेके घूमता है, सबको देख के आता है। तो सेम थिंग इज हियर कि जो ब्लड होगा वो क्या करेगा? सारे चीजों को, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को और कुछ हार्मोन्स को भी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ हार्मोन्स को भी इकट्ठा करके जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको देके आएगा। सो दैट कि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन करे, आपकी बॉडी सिमेट्रिकल वे में ग्रो करे। पता चला एक हाथ तो ग्रो हो गया अच्छे से क्योंकि उसको एनर्जी मिली, उसको ग्लूकोज मिला, उसको ऑक्सीजन मिली, लेकिन एक हाथ तो ग्रो हो ही नहीं, बेचारा इतना सही रह गया। पॉसिबल होता है क्या भाई? नहीं होता है पॉसिबल। मतलब कि ब्लड पूरा सेल्फिश, ब्लड एक पर्सन भी सेल्फिश नहीं है, वो सबको बराबर हिस्सों में हर चीज को बांट के देके आता है। तो ये देके आने का काम कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। भले उसके पास कार वार नहीं है फिर भी वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो घूम रहा है ना इधर से उधर, तो वो क्या कर रहा है? वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। और इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सो एग्जैक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? सर्कुलेशन हुआ। भाई जितनी भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर है उन सबका सर्कुलेशन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको सर्कुलेशन जहां जहां हो रहा है और जिस जिस चीज के साथ में हम कर रहे हैं भाई डायरेक्ट जा नहीं सकते। पता है हमारे अंदर की ब्लड वेसल्स होती है, नॉर्मल चीजें होती है, तो वो पूरा क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब आप सोचो कि सपोज कहीं आप गिर गए या आपको कहीं चोट वोट लग गई, तो चोट लगती है तो क्या होता है? क्या निकलता है सबसे पहले? रेड रेड कलर का चीज की चीज निकलती है ना, एक रेड कलर की चीज निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? और हमारा ब्लड है वो। जब वो हमारा ब्लड है तो मैं यहाँ से कट करूंगी तो क्या ब्लड नहीं निकलेगा? और अगर यहाँ से कट करने पर ब्लड निकला तो बाई चांस अगर यहाँ मेरे कट लग गया तो ब्लड नहीं आएगा? अरे आएगा, सब जगह से आएगा। पैर पे कट लगेगा तो वहां से भी ब्लड आएगा। मतलब बॉडी के अंदर आप जहां से भी हल्का सा भी अगर कट करके देखोगे, करके देखना मत, बाई चांस अगर कट हो जाता है, कहीं पे चोट लग जाती है, तो उसमें से बाहर आता है ब्लड, ठीक है। अब ब्लड बाहर आ रहा है इसका मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स के पास में ब्लड है।
तो हमने क्या बोला, ऑक्सीजन भी ब्लड में है, ग्लूकोज भी ब्लड में है, हार्मोन्स भी ब्लड में है, और भी बहुत सारी चीजें जो ब्लड के अंदर है। तो ब्लड अगर पूरी बॉडी में जा रहा है इसका मतलब वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वो उन चीजों को लेके जा सकता है। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसको देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम कैसे पढ़ेंगे। अरे पढ़ लेंगे, बहुत इजी है ये, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपको ये दिख रहा है ना। आप एक बार इन वीडियोस को अगर देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत सिंपल था, इतना सिंपल था कि तो बच्चों को पढ़ाओगे तो वो भी समझ जाएंगे। तो भाई आप तो समझ ही जाएंगे, आप तो बड़े बच्चे इंटेलिजेंट भी है। सो इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है, इसको तो देखना ही नहीं है हमें, सिर्फ क्या देखना है भाई ये क्या है। तो ये आपको पता है ये हार्ट है, ये क्या है हमारा हार्ट है, ये क्या है लंग्स है, अब ये बाकी सारे क्या है तो ये पाइप्स है। पाइप्स है क्या? नहीं, आर्टरीज और वेन्स है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, डक्ट्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं आर्टरीज और वेन्स, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ना, ये ब्लू कलर की क्या होती है, वेन्स होती है। तो आपके हाथ के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू कलर की कुछ कुछ वेन्स जो होती है हल्की हल्की नजर आती है। तो जो हल्की हल्की ब्लू वेन्स नजर आती है ना, जो बूढ़े लोगों के अंदर आउटर साइड में थोड़ी सी आ जाती है और एकदम क्लियर नजर आती है, वो होती है वेन्स, आर्टरीज नहीं होती है। बट उसके अंदर ब्लड कौन सा होगा, वो ब्लू कलर का ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर। लेकिन जो आर्टरी, जो वेसल्स आपको नजर नहीं आ रही है, वो है आपकी आर्टरीज, जिसके अंदर रेड कलर का ब्लड होता है और उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। भाई कट करने पे ब्लू कलर का ब्लड कभी नहीं आएगा। वो ब्लू कलर क्यों नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अदरवाइज आपका पूरा ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, हम सिर्फ उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इससे। एंड अब जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पूरी बॉडी में घूम रहा है। अब वो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर घूम के कहाँ चला जाता है, हार्ट तक, हार्ट से ज्यादा लंग्स तक, फिर गैसेस का एक्सचेंज करता है। बस इतना सा ही तो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको देख के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी टॉपिक है। चलिए सो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो काम क्या करता है। सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या कर रहा है, क्या होता है, वो जस्ट एक नेटवर्क है। नेटवर्क किसका है, आर्टरीज का, वेन्स का, कैपिलरीज का। आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, एंड एक हार्ट है जो पंप कर रहा है। पंप 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 ऐसे करता है, पंप यू करा, यू करा, यू करा, ऐसे करता है क्या? अरे नहीं भाई, मुट्ठी के अंदर दबा नहीं सकते उसको। अगर आप टच करके देखोगे ना लेफ्ट साइड में अपने, तो आपको ऐसा लगेगा धक 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 हो रही है। तो वो धक धक कौन करता है, वो हार्ट कर रहा है आपका। सो एक नेटवर्क किसका होता है, आर्टरीज का, वेन्स का, कैपिलरीज का, और एक आपके हार्ट का। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। और जो आर्टरीज और वेन्स है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है, डक्ट्स है, उनके अंदर क्या घूमता है, तो उनके अंदर घूमता है ब्लड। हार्ट किसको पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो ये सारा कुछ मिलके क्या बनाएंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे। अब वो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है, क्यों बनाया गया है इसको, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि ये आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करे। किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, किसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, गैसेस एंड हार्मोन्स, इन सबका सेक्रेशन जो भी होता है वो सब कहाँ देते हैं, हम ब्लड में दे देते हैं। ब्लड में सारे ऑर्गन्स ने अपना अपना सेक्रेशन दे दिया, किसी ने न्यूट्रिएंट दिया, किसी ने वाटर दिया, किसी ने गैसेस दी, किसी ने अपने हार्मोन्स दे दिए, किसी ने मिनरल्स दिए। उन सबको सारे बॉडी पार्ट्स में, सारे सेल्स के अंदर पहुंचा के आने का काम किसका होता है, तो ब्लड का होता है। इसलिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है, दैट इज ब्लड। सो ये आपको समझ में आया कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है। द नेक्स्ट थिंग इज सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है। भाई हम सारा ह्यूमन बींग्स का क्यों बोल रहे हैं, क्या ये प्लांट्स में नहीं होता है, तो प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड वास्कुलर सिस्टम। और उस वास्कुलर सिस्टम के अंदर भी और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो हम ये भी देखेंगे कि क्या सारे एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जैसे हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या सबके अंदर सिमिलर होता है, तो सिमिलर है या नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है, तो ये होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, और वो कौन सी चीज है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी चीज है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये क्लोज और ओपन का क्या मतलब हुआ, तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सर्कुलेटरी सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, द फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। द फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर आर्टरीज और वेन्स जो होती है
वो नहीं होंगी। मतलब हार्ट क्या करेगा आपका, हार्ट सारे के सारे ब्लड को पंप करेगा और पंप करके उसको ऐसे ही छोड़ देगा कि जाओ पूरे बॉडी ऑर्गन तक जाके आओ। अब सारे बॉडी ऑर्गन तक जाने के लिए उनके पास में कहीं भी कोई भी पाइपलाइन स्ट्रक्चर, कोई पाथ नहीं है, मतलब कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए कि हाँ हमें इस तरफ से ही जाना है, इसके अलावा हम नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहीं से भी जा सकते हैं। जस्ट लाइक एक खाली मैदान है, सपोज एक खाली मैदान है, आपको बोला है कि वहां पे आपको गाड़ी चलानी है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी मर्जी से जाएंगे, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी कहीं चले गए। बट अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो आपको पता है जब तक कि आपको डिवाइडर नहीं मिलेगा आप एकदम स्ट्रेट चलेंगे, और डिवाइडर मिलने के बाद ही आप टर्न ले सकते हैं। लेकिन टर्न लेने के बाद में भी या तो आप सामने जा सकते हो या पीछे की तरफ मूव कर सकते हो, उसके अलावा आप लेफ्ट राइट में कहीं पर भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पर्टिकुलर एक पाथ बना दिया गया है और उस पाथ के चारों ओर क्या कर दिया, बहुत सारे पेड़ लगा के उसको ब्लॉक कर दिया रास्ते को। सो ना इधर ना इधर, हम सिर्फ स्ट्रेट चलेंगे, अगर घूम भी जाएंगे तो फिर पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन कहीं इधर उधर मर्जी हो जाए नहीं घूम सकते, राउंड राउंड नहीं घुमा सकते हमारी गाड़ी को। तो क्या हुआ, अगर खाली मैदान के अंदर जाओगे तो आपकी गाड़ी मर्जी हो जैसे घूमेगी। द सेम थिंग इज हियर कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कोई भी डक्ट्स नहीं होती है, कोई भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं होता है। और अगर पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है मतलब कि ये जो हार्ट है ये क्या करेगा, ये उसको पंप करेगा। हार्ट क्या करेगा, आपके ब्लड को पंप करेगा, पंप करके एकदम से पुश करेगा, पुश करते ही पूरी बॉडी में चला जाएगा। प्रेशर गया, प्रेशर से गया आपका वो ब्लड, तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फैल गया। अब पूरी बॉडी के अंदर फैला लेकिन उसके अंदर कोई डक्ट नहीं है, तो पूरी बॉडी में मर्जी हो जहां चला गया, जहां उसकी मर्जी हुई ज्यादा चला गया, जहां उसकी मर्जी हुई कम चला गया। बट क्या हमारी बॉडी में ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हमारी बॉडी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हो सकता, लेकिन ये कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमसे कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ये मैं आपको बताऊंगी कुछ जो सिस्टम, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। आर्थ्रोपोडा का नाम आपने सुना होगा, डाइवर्सिटी पढ़ी है ना, तो आर्थ्रोपोडा का नाम सुना होगा। आर्थ्रोपोडास के अंदर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर आर्टरीज वीन्स जो होती है, वो ब्लड ने दे दिया ना एक बार ब्लड, तो वो डायरेक्ट जाएगा, वो कोई पाइपलाइन स्ट्रक्चर, कोई डक्ट से नहीं होगा, कोई नलिकाएं नहीं होंगी उसके अंदर, कोई आर्टरीज वीन्स नहीं होगा, थोड़ा सा पार्ट हुआ उसके बाद सारा ब्लड ऐसे ही चला गया, पूरे में फैला दिया हमने। जब हमने उस पार्ट को, पूरे ब्लड को फैला दिया है, तो उसी के अंदर जो एक्सचेंज होना है वो सब उसी के अंदर होगा, लेकिन कोई भी पाइपलाइन स्ट्रक्चर फिर से उसके अंदर, हार्ट के अंदर ज्वाइंट नहीं होने वाला। सो द नेक्स्ट थिंग इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि उसके अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स है। हार्ट ने अगर आपके ब्लड को पंप किया है तो पंप करके क्या करेगा, वो आर्टरीज को देगा, और वो आर्टरीज जो है पूरी बॉडी तक जाके आएगी और ऑक्सीजन देके आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगी। फिर वीन्स क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगी और लेने के बाद में वापस से कहाँ आएगी, एक बार हार्ट तक आएगी। एंड उसके बाद आपका सारा जो है प्रोसेस शुरू होगा, गैस एक्सचेंज होगा लंग्स तक जाने के बाद। लेकिन ये हुआ क्या, देखो सारा सिस्टम देखो क्लोज्ड है। यहाँ से हार्ट ने क्या किया, ब्लड दिया आर्टरी को दिया, तो ये आर्टरी है हमारी, ये ब्लड लेके जाइए, आर्टरी है हमारी जो ब्लड लेके जा रही है पूरी बॉडी में दे देगी। बीच में ये फिर डिवाइड हो गई, डिवाइड होकर फिर ये ज्वाइन भी हो गई, और ये वीन्स के थ्रू फिर से क्या हो गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड फिर से हार्ट पे आएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा ही घूमेगा, ठीक है, पाइप्स के अंदर घूमा, कहीं बाहर नहीं गया। बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो क्या हो रहा है, ये आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर से देखो ब्लड यहाँ गया 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 और लास्ट के अंदर फैल गया, बस यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे ये क्लोज नहीं है। तो यहाँ इसका ब्लड जो है कहीं पर भी स्केटर हो सकता है, कहीं पर भी फैल सकता है, और वहीं से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसके थ्रू वापस से हार्ट तक आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर है। नाउ हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमें पढ़ना है। सो हम इसको देख लेते हैं एक बार, ह्यूमंस के अंदर किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोल सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें सिमिलर है। जहां आ जाए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो भूलना नहीं है, सेम ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम सेम ही है। तो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलेशन हो रहा है हर एक चीज का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दोनों ही सिमिलर होंगे। सो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसको हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, उसको फर्स्ट इज ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। जो फर्स्ट वन है आपका ये देखो, ये वाला है फर्स्ट वन आपका,
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है, तो भाई इसका मेन पार्ट कौन सा होगा? ब्लड होगा इसका मेन पार्ट। भाई ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम मतलब हम किसको घुमा रहे हैं? ब्लड को घुमा रहे हैं, और ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर जब घुमाया जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उसको सर्कुलेट किया जा रहा है, तो कौन कौन इसमें हेल्प करेगा? सबसे पहले तो ब्लड ही होगा भाई, जिसको सर्कुलेट कर रहे हो उसको तो लेके जाओगे ना, तो ब्लड है। उसके अलावा क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब जब हम बोल रहे हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ब्लड जो है वो घूमेगा। सो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तो ब्लड वेसल्स हो गई। ब्लड वेसल्स भी आगे और पार्ट्स में डिवाइडेड है जो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट थिंग इज हार्ट, जो उसको पंप करेगा। हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करने का काम करेगा। तो सेकेंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। फर्स्ट वन वॉज ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं, लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स। लिम्फ ब्लड की तरह ही लिम्फ होता है, एक तरह का लिक्विड सब्सटेंस बोल सकते हैं। मैं आपको उसको उसी बारे में भी अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन सा होता है ये, एंड लिम्फ वेसल्स जो लिम्फ को सर्कुलेट करने का काम करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखो, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रही है, जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या है? ये ब्लड फ्लो की पिक्चर है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, आपको ब्लड एक एक करके, क्योंकि सब कुछ आपको साथ में नहीं पढ़ना है, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सो ये जो पिक्चर है ये किसकी है? ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की है। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसमें देखो डबल सर्कुलेशन होगा। डबल सर्कुलेशन क्यों हुआ? ब्लड यहां से यहां तक आ रहा है, फिर आगे की तरफ जा रहा है, तो ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक काम के लिए दो बार चक्कर लगाता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, इस पूरे सिस्टम के अंदर वो लंग्स को देना, फिर हार्ट से पंप करवाना, वापस से आना, सारे ऑर्गेन्स को ऑक्सीजन देना, फिर जाना, फिर लेना लंग्स के पास, हार्ट के पास जाना, हार्ट फिर उसको भेजेगा किसके पास? लंग्स के पास, फिर लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड देके ऑक्सीजन लेके फिर हार्ट तक आना, हार्ट से फिर उसे घूमना। तो ये क्या है? ब्लड जो है इसके लिए दो बार घूमता है, एक ही काम के लिए दो बार घूमा इसने, तो दो बार घूम रहा मतलब ये क्या हुआ? डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। और ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या है इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट इन अ सेपरेट वीडियो, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ये कॉम्प्लेक्स ना लगे। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट जब हम बोल रहे हैं कि हमें पहले क्या पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, उसके बाद जब मैं आपको ब्लड के बारे में अच्छे से बताऊंगी तब हम उसकी सारी इंपॉर्टेंस देखेंगे। और आई एम डैम श्योर कि जब आप ब्लड के बारे में पढ़ लेंगे या ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद आप खुद ही मुझे बता देंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों को सर्कुलेट करता है, तो कुछ तो हमें पता है, जो नहीं पता है वो यहाँ देख लीजिए। देखिए, ये लंग्स है हमारे, लंग्स से हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है हमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने हमें पूरा पढ़ लिया हमने, कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेगा? बॉडी से ले लेगा। जब बॉडी से ले रहा है मतलब कहाँ से लेगा? ब्लड से लेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम से लेगा। लंग्स क्या किसी अरे सेल के पास जाएगा लंग्स कि ठीक है लाओ कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, फिर दूसरे सेल के पास गया कार्बन डाइऑक्साइड दे दो? पॉसिबल है? नहीं है। हमारा लंग्स, हमारे लंग्स जो है कहीं सर्कुलेट नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। सो यहाँ पर देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेके आएगा, लंग्स को दे देगा, और वहां से क्या ले लेगा बदले में? ऑक्सीजन ले लेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से रिलीज कर दी जाएगी, और नेक्स्ट फिर से एयर जो है उसका इनहेलेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन फिर ब्लड को देंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट थिंग इज ये देखो, ये क्या है? हमारा ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, और वो हार्मोन्स सर्कुलेटरी सिस्टम को दे दिए जाते हैं ताकि हार्मोन्स को अपने टारगेट एरिया तक पहुंचाया जा सके। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फिक्स्ड है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, लेकिन वो सर्कुलेटरी सिस्टम को देगी, और वहां सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड क्या करेगा? टारगेट ऑर्गन तक इसको दे के आएगा। नेक्स्ट इज सेल। भाई सेल्स तो पूरी बॉडी हमारी सेल से ही बनी है। सेल के अंदर क्या क्या चीजों का एक्सचेंज होता है? तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है, ब्लड क्या करेगा? ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को सेल को दे देगा, और सेल से क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों ले लेगा? बिकॉज सेल को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको किसकी रिक्वायरमेंट है? ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की। तो वो इसने इसको दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को इसने ले लिया, सो दैट कि वो वापस लंग्स को दे आए और उसको हमारी बॉडी से रिलीज कर दिया जाए। नेक्स्ट इज ये हमारा है यूरिनरी सिस्टम, या हम बोल सकते हैं इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी तो रिमूव करना जरूरी है। सो ब्लड क्या करेगा? ब्लड सब जगह से वेस्ट मटेरियल को लेगा। वेस्ट मटेरियल को लिया उसने, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो एक्सेस वाटर है उसको लिया, और लेने के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम को दे दिया।
एंड द लास्ट थिंग इज कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहां से बताया था आपको कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, वो आपके फूड को, जो न्यूट्रिएंट्स जो हमने जिसको हमने डाइजेशन किया था उसको ब्लड को दे देगी और वहां से कुछ वाटर जो है वो ले लेगी। ठीक है, इसको हम डिटेल में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए, ब्लड को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए एक्चुअली कि ब्लड की इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लड की सर्कुलेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। सो आई होप कि अब आपको पता चल गया कि इतनी सारी इंपॉर्टेंस है तो भी पढ़ो, जब इतना सारा ये काम कर रहा है तो हम एक काम तो हम कर ही सकते हैं पढ़ने का। सो आई होप कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, लेकिन उसके पार्ट्स के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल एंड हार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।